एवरीवन क्लास नाइन्थ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज प्रेशर प्रेशर इन्फ्लुएंस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू रिवाइज द प्रेशर इन्फ्लुएंस एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और प्रेशर इन्फ्लुएंस हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बट बिफोर दैट लेट अस रिवाइज द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी डन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव सीन, वी हैव लर्न अबाउट द न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोल रहा है आपको कि अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी आर फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम क्या निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, दैट इज एफ को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एफ विल बी इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है। मीन्स के जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जी क्या है, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो इसकी वैल्यू होती है जी की, कितनी वैल्यू है इसकी, जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर मीटर पर केजी का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हम लोगों ने क्या किया था, वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और स्मॉल जी क्या है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो वी हैव फाइंड इट आउट। सो मैंने एफ को इतना लिखा, एफ इज ऑल्सो गिवन बाय एम जी। ओके वेट, तो एम जी से भी दे सकते हैं, दोनों को इक्वेट किया तो एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल करो, सो जी इक्वल्स टू कितना हो गया, जी m अपॉन r का स्क्वायर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल g एंड स्मॉल g। ओके ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर दिस लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर में सब क्या है, प्रेशर। प्रेशर को डिफाइंड करने से पहले वी हैव टू डिफाइन थ्रस्ट। प्रेशर को तो डिफाइंड करना है, प्रेशर को डिफाइन करने से पहले हमें थ्रस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस। मींस के कोई सरफेस है आपके पास, उस सरफेस पे एक फोर्स लग रही है। फोर्स कैसे लग रही है, नॉर्मली, नॉर्मली मींस एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स उस सरफेस पे एक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं आप, थ्रस्ट को बोलते हैं। सो यू कॉल्ड इट अ थ्रस्ट। ओके एंड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज नथिंग बट इट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके थ्रस्ट अपॉन एरिया, और वी कैन से थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। व्हाई वी आर कॉलिंग पर यूनिट एरिया, मींस के इसको डिफाइन करना है। तो मैंने ए को कितना ले लिया, ए को वी हैव टेकन वन, ए को वन लिया, वन मीटर स्क्वायर लिया। सो वी गेट पी इक्वल्स टू टी हो गया। सो पी इक्वल्स टू टी मीन्स के प्रेशर को की डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ओके नॉर्मली टू द सरफेस। व्हाई आई एम कॉलिंग इट नॉर्मली टू द सरफेस, बिकॉज जो थ्रस्ट है वो ऑलवेज नॉर्मल लगता है, मींस 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट करता है। ओके यहां से इस वाले फॉर्मूले से दो चीजें मुझे क्लियर है कि जो प्रेशर है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है थ्रस्ट के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। मीन्स के अगर यहां से फर्स्ट मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट आई सिंपली से कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वी कैन से, और वी कैन से थ्रस्ट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं, सपोज ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन से आई कैन से कि जैसे ही मैं प्रेशर को इंक्रीज, एरिया को इंक्रीज करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जस्ट उल्टा चलेगा। इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिंपली मींस दैट कि एक को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। यहां पे अगर मैं देखूं तो फोर्स को मैं इंक्रीज करूंगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करूंगा। सो प्रेशर इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है फोर्स, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप उसके ऊपर, या थ्रस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर। सपोज यू आर हैविंग अ ब्रिक, एक ब्रिक है आपके पास, ब्रिक को पहले मैंने ग्राउंड के ऊपर या किसी भी मड में मैंने उसको कैसे रख दिया, हॉरिजॉन्टल वे में रखा। जब हॉरिजॉन्टल वे में रखा तो इन दैट केस प्रेशर फोर्स एरिया क्या है, ज्यादा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
फिर मैंने उसको वर्टिकल वे में रख दिया। वर्टिकल वे में जब मैंने उसको रखा तो वर्टिकल वे वाले केस में क्या हो जाएगा कि प्रेशर एरिया को डिक्रीज किया, एरिया को डिक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके और भी एग्जांपल्स है, कभी आप स्विमिंग करते हो पानी में, जब आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग अगर आप पानी में सीधे स्ट्रेट अगर आप खड़े हो सीधा आप बॉटम में चले जाएंगे उसके, अगर पानी के ऊपर आप लेट जाते हैं तो लेट गए तो इन दैट केस आप नीचे नहीं जाएंगे, पानी के ऊपर ही फ्लोट करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, जो आपकी बॉडी प्रेशर लगा रही है पानी के ऊपर उसको आपने डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कैसे किया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करके, जो वाटर के साथ आपकी बॉडी का एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है उस एरिया को आपने क्या किया इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर क्या हुआ डिक्रीज कर दिया। ऐसे ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके प्रेशर को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज, जो भी आपका यूज है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। आयरन की एक नेल है उसको दीवार में अगर लगाना है तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर आगे से ब्लंट होगी तो नहीं जाएगी। नाइफ है, नाइफ से वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं तो जो उसका अगर जहां से आप कट करते हैं वेजिटेबल्स को वो वाला पार्ट अगर ब्लंट होगा तो इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कट द वेजिटेबल्स, तो इसलिए क्या करते हैं उसको शार्प बनाते हैं। शार्प बनाने का मतलब क्या है, उसका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हम लोग क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। ओके एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स, ओके एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स इन अवर डेली लाइफ के जहां पे हम लोग क्या करते हैं प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ठीक है, कैमल डेजर्ट में चल रहा है, उसके फीट कैसे होते हैं, द फीट आर वट टाइप ऑफ फीट ही इज हैविंग, बहुत फ्लैट फीट होते हैं। फ्लैट कम होने का मतलब है कि डेजर्ट में उसने अपने फीट से एरिया क्या किया इंक्रीज कर, अपने फीट का एरिया क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज किया तो वो क्या कर रहा है प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है। ऐसी एलिफेंट है, एलिफेंट के पैर अगर बहुत पतले हो जाएंगे या इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर एलिफेंट के पैर कैसे हो जाएंगे जैसे हिरन के होते हैं और वी कैन से जैसे डियर के होते हैं, पतले पतले पैर हो जाएंगे तो बेचारा चल ही नहीं पाएगा। ओके वो चल ही नहीं पाएगा, इसीलिए क्या होता है उसको जो फीट है बहुत चौड़े चौड़े होते हैं ताकि जो प्रेशर ग्राउंड पे वो लगा रहा है वो क्या हो डिक्रीज हो जाए। ओके नहीं तो एलिफेंट का वेट इतना ज्यादा है बेटा कि अगर पतली पतले पैर उसके होंगे बहुत थिन पैर होंगे उसके तो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू ट्रेवल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे वो चल ही नहीं पाएगा, पैर अंदर चले जाएंगे ग्राउंड में। ओके सो दैट्स वाई उसके जो फीट है बहुत फ्लैट हम लोग फ्लैट बनाए, इट इज गॉड गिफ्टेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। सो और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं विच आर बेस्ड ऑन द प्रेशर, कैसे है कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जस्ट गो थ्रू योर बुक, बुक से देखना, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो पुट द प्रॉब्लम इन द व्हाट्सएप। ओके सो फॉर टुडे ओनली दिस मच, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड में कैसे प्रेशर एग्जिस्ट करता है दैट वी विल टॉक अबाउट। सो व्हाट टिल देन, थैंक यू वेरी मच।